हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे रोमन काउंटिंग या और डिफरेंट नंबर या बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी टाइटल बार में जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ होम पे क्लिक करेंगे, अगर आप और किसी मेन्यू में हैं तो। होम में आपको ये यहाँ नज़र आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर अगर आप दूसरी तरफ इंसर्ट से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। इंसर्ट से आप कैसे करेंगे इसको, पहले आप डायरेक्ट देख लें, होम पे जाएं। ये यहाँ आपको 1 2 दूसरा नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो ये आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू देगा, ठीक है। इसमें ये काउंटिंग है, दूसरे डिफरेंट डिज़ाइन दिए गए। तो अगर आपने यहाँ रोमन काउंटिंग करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो जितनी दफ़ा आप यहाँ से एंटर करेंगे तो ये खुद बहुत नंबर लगाता जाएगा। इसी तरह आप इसमें दूसरे डिज़ाइन भी ले सकते हैं, मसलन ये आपको देखें इस तरह हेडिंग्स दी या वगैरह वगैरह, उसके आप डॉट्स ले सकते हैं। उसके अलावा आप ये वाला साइन भी ले सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं दूसरे तरीके से, अगर आप उधर से जाना चाहें तो फिर किस तरह आप करेंगे। उसके लिए आप यहाँ से इंसर्ट और टेबल क्लिक, हेडर एंड फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से आप टेक्स्ट को डिफरेंट डिज़ाइन दे सकते हैं, ये देखें। उसके अलावा आप इसमें शेप फिल कर सकते हैं, डिफरेंट कलर दे सकते हैं, ये देखें। जैसे मैं इसको ये वाला कलर अगर दे देता हूँ तो ये देखें। इसके अलावा आप यहाँ से और भी यानी अपनी यहाँ शेप्स वगैरह वगैरह, हेडिंग्स, टेक्स्ट को मुख्तलिफ डिज़ाइन दे सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।